हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम शिवम एंड यू आर वाचिंग द चैनल एसईओ सेट्स। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट इशू के बारे में, एंड दैट इज डुप्लीकेट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, एंड वी विल नो हाउ टू फिक्स इट। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है। जब एक ही कंटेंट दो अलग अलग यूआरएल्स पर हो या फिर कुछ कंटेंट अलग वर्ड्स में हो लेकिन वो सिमिलर हो तो उसे डुप्लीकेट कंटेंट कहते हैं। इससे सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कंटेंट रैंक करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट को कैसे फाइंड करें। एक तरीका है कि मैनुअल चेक करना, जहां पे अपने कंटेंट के पीसेस को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि कॉपीस्केप, साइटलाइनर या गूगल सर्च कंसोल। अभी मैं आपको कुछ टूल्स का यूज करके बताता हूं कि किस तरीके से आप डुप्लीकेट कंटेंट फाइंड कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट पर। तो सिंपली मैं आ जाता हूं गूगल पे, यहां पे सर्च करता हूं साइटलाइनर। तो सिंपली इस वेबसाइट पर चलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। सिंपली मैं अपनी वेबसाइट पर चलता हूँ और अपनी वेबसाइट का यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे इसको पेस्ट करता हूँ और सिंपली आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी वेबसाइट को स्कैन करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखोगे ये आपकी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के बारे में। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे स्कैन हो चुकी है और यहाँ पे आप देखोगे ओवरव्यू में नॉर्मल जो पेज है जो इसने स्कैन किए हैं वो यहाँ पे 39 पेजेस हैं और 11 पेजेस है जो इसने स्किप कर दिया, जिनको इसने क्रॉल नहीं किया या फिर जिनको इसने एनालाइज नहीं किया। वो कुछ इशूज होंगे जैसे रिडायरेक्शन को इशूज है या फिर उसमें नॉट इंडेक्स टैग लगा हुआ है जिसकी वजह से उसने उसको क्रॉल नहीं किया, एनालाइज नहीं किया। नीचे यहाँ पे देखोगे ये डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको देखना मिलेगा डुप्लीकेट कंटेंट कितना परसेंट है आपका, 8%। और कॉमन कंटेंट का मतलब है कि आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं वो हर पेज पर है, अवेलेबल है। और यूनिक कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 74% यहाँ पर दिखा रहा है, वो आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, वो आपको यहाँ पर दिखा दे। सिंपली अगर आप यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कंटेंट देखना है, डुप्लीकेट कंटेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपकी वेबसाइट के यहाँ पे यूआरएल्स आ जाएंगे, जितने भी आपकी वेबसाइट यूआरएल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइटल देखने को मिल जाएंगे और जितने वर्ड्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं वो देखने को यहाँ पे मिले। सिंपली मैं किसी भी एक पेज पे चलता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से हमें डुप्लीकेट कंटेंट बताता है। तो मैं इस पेज पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट जो देखोगे, जैसे मेरा पेज यहाँ पे दिखा रहा है पैराग्राफ किसी पेज से मैच हो रहा है। यहाँ पे हेडर और फुटर तो हर पेज में कॉमन होता है, डुप्लीकेसी में नहीं होगा इतना को, क्योंकि हेडर और फुटर तो हर पेज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ दिखा रहा हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे कि ये वर्ड्स आपके मैच हो रहे हैं, ये तो आपको हर पेज में देखने को मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि आपका जो इंटायर कंटेंट पेज के अंदर वो किसी पेज से मैच तो नहीं हो रहा। सिंपली यहाँ पे अगर देखोगे ब्लॉग में दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इतना पैराग्राफ आपको मैच हो रहा है, अब किससे हो रहा है यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा ब्लॉग वाले पेज से। व्यू सोर्स में चलता हूँ मैं, तो यहाँ ब्लॉग में देखोगे ब्लॉग वाला मेरा पेज है, तो मेरे देखो यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे हेडिंग है और इतना हिस्सा देखो यहाँ पे इस मतलब की जो ब्लॉग वाले पेज है। जैसे मैं चलता हूँ ब्लॉग वाले पे, यहाँ पे आ गया मैं अपने ब्लॉग वाले पेज पे, तो जो उन सब वो पेज आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल है। अब देखोगे यहाँ पे मेरा ये हेडिंग भी आ रही है और इतना पैराग्राफ यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सिंपली अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो देखो एक जो ऊपर है ये यूआरएल अलग है, अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ तो अब इसका यूआरएल अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग यूआरएल हो गए लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेम है, हेडिंग में यहाँ पे सेम है और ये इतना भी जो पैराग्राफ है वो सेम है क्योंकि इसी कंटेंट से आ रहा है ये ऊपर बाहर। तो इस वजह से यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे और पेज देखोगे, बैक करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं चलता हूँ ऑन पेजेस वाला मेरा एक पेज है, तो मेरा जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे वो इसमें यहाँ देखो हेडर है, हेडर कॉमन ही रहेगा। तो आपको ये देखना कि इंटायर जो कंटेंट जो पेज के अंदर है वो आपका यूनिक होना चाहिए, वो कहीं किसी पेज से मैच नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको आप फिक्स करें, या तो आप कंटेंट को चेंज करें पूरा। दूसरा ऑप्शन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है अगर आप कंटेंट चेंज करना नहीं चाहते। तो इस तरीके से इस टूल का यूज करके आप डुप्लीकेट कंटेंट फाइंड कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट पर। और सिंपली जो दूसरा टूल है मैं बताता हूँ आपको, वो है कॉपीस्केप। सिंपली सर्च करें गूगल पर कॉपीस्केप, पहली वेबसाइट है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे भी आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, वेबसाइट का लिंक कॉपी किया, कॉपी क्लिक किया, सिंपली ये भी स्कैन करेगा आपकी वेबसाइट को। तो यहाँ देखोगे तो इस पेज से कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट कहीं मैच नहीं हो रहा, कि एक्सटर्नल मेरी वेबसाइट पर कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है कि किसी और वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पर कोई कंटेंट हो। बाकी ये देखोगे यहाँ रिकमेंड कर रहा है आपको इंटरनल डुप्लीकेट कंटेंट फाइंड करना है तो आप साइटलाइनर पर जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं इंटरनल अगर आपकी वेबसाइट पर डुप्लीकेट कंटेंट है तो। ठीक है, इस टूल की मदद से आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं डुप्लीकेट कंटेंट। अब इसको फिक्स कैसे करना वो देखते हैं। अब आते हैं डुप्लीकेट कंटेंट को फिक्स करने का सॉल्यूशन पर। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आता है कैनोनिकल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना। ये टेक्स्ट सर्च इंजन को बताता है कि कौन सा कंटेंट आपका प्राइमरी है। दूसरी टिप है रीडायरेक्शन का यूज करना। अगर मल्टीपल यूआरएल सेम कंटेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो 301 रीडायरेक्ट का यूज करके उन्हें एक प्राइमरी यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो कैनोनिकल टैग मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कैनोनिकल टैग होता कैसा। तो ये कैनोनिकल टैग है, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये टैग है। इस टैग को आपको हेड सेक्शन में पेस्ट करना होता है अगर आपकी वेबसाइट कस्टम है तो, वो जो कोडिंग पे बनी हुई है। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो सिंपली आप प्लगइन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपको किस तरीके से करना है। नहीं तो अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग पे है तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका प्राइमरी पेज है और जो आपके डुप्लीकेट कंटेंट पेज है उन पेज में जाकर आपको उस प्राइमरी पेज का यहाँ पे आपको कैनोनिकल टैग देना है।
जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिंक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे देखोगे आरईएल का मतलब है रिलेशन, टैग दिया हुआ है एट्रीब्यूट है इसका, टैग दिया हुआ है एचटीएमएल कैनोनिकल, और यहाँ पे उस पेज का यूआरएल प्राइमरी पेज का ये कोड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपको अपने प्राइमरी पेज यहाँ पे डाल देना है इसमें यूआरएल के अंदर, और जो भी आपको डुप्लीकेट कंटेंट पेज है उस पेज में जाकर आपको हेड सेक्शन में डालना है, अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग वाली है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस वाली है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको वर्डप्रेस पे करना है। मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर और अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूँ मैं। तो वेबसाइट में लॉगिन कर चुका हूँ, से मेरा यहाँ पे जो पेज बताया था ये वाला आर्टिकल था, इसमें डुप्लीकेट कंटेंट मेरा दिखा रहा था इस तरीके से, जो मेरा ब्लॉग वाले पेज में मैच हो रहा था। तो मैं इसी पेज को यहाँ पे कैनोनिकल टैग यूज करूंगा इसी पेज में। तो ब्लॉग वाले पेज तो कस्टम है, क्योंकि वो ब्लॉग वाला पेज तो डिफॉल्ट है, क्योंकि ब्लॉग जो मेरे पोस्ट है वो ब्लॉग वाले उसमें आएंगी, वो मैंने डिजाइन नहीं किया हुआ। बाकी मैं चलता हूँ इस आर्टिकल में, उस आर्टिकल में चलता हूँ एडिट पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो प्लगइन है मैंने यहाँ पर रैंक मैथ प्लगइन यूज किया हुआ है, सिंपली मैं चलता हूँ प्लगइन पे अपने यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले इस वाले आइकन पे एडवांस वाले पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैनोनिकल यूआरएल। बाकी आपको जो भी आप प्लगइन यूज कर रहे हो आपको यहाँ उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो योस्ट हो या कोई और सा प्लगइन। मैं तो अभी यहाँ पे रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे एडवांस फीचर में देखो कैनोनिकल यूआरएल है। तो मैं अपने जो मेरा पेज है, जो ये मेरा प्राइमरी पेज है, मैं यहाँ पे इस लिंक का कॉपी करूंगा, यूआरएल में यहाँ पे डाल दूंगा, अपडेट हो जाएगा, अपडेट कर दूंगा इसको मैं आर्टिकल को। तो मैंने गूगल को ये बता दिया कि ये मेरा प्राइमरी पेज है जिसको मैं रैंक करना चाहता हूँ। ये गूगल को हिंट देना होता है, बाकी गूगल को जो रिलेवेंट लगेगा गूगल उसको ही पेज को शो करेगा सर्च रिजल्ट में। तो जैसे मैं व्यू पोस्ट करता हूँ, और अगर मैं इसका सोर्स कोड को देखूंगा तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे देखोगे आप सर्च करता हूँ मैं इसको कैनोनिकल वाले को, ये देखो यहाँ पे सेम वही लिंक है जो मैंने आपको दिखाया था, लिंक टैग और रिलेशन में यहाँ पे कैनोनिकल टैग देखने मिल जाएगा, और जो यूआरएल है एचडीएफ में ये प्राइमरी पेज का यहाँ पे यूआरएल आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप वर्डप्रेस में कर सकते हो। ये तो अभी एक पेज है, हो सकता है जैसे मेरे ये एक पेज है, हो सकता है मेरे और पेज हो, जैसे मान लें कोई फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें मेरा एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके क्या है अलग अलग कलर्स हैं प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेज है, ये मेरे प्रोडक्ट है रेड ब्लू और ब्लैक, तो रेड वाले का यूआरएल ये है और ब्लू वाले का यूआरएल ये है और ब्लैक वाले का यूआरएल ये है। तो आप देखोगे यूआरएल ऑलमोस्ट सेम ही है, बस क्या है कलर का डिफरेंस है। तो इनमें कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब सेम ही है। तो ये क्या है डुप्लीकेसी क्रिएट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो रेड वाला पेज है ये मेरा प्राइमरी पेज है मैं मानता हूँ, मैं इसको रैंक करना चाहता हूँ, और गूगल को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पेज है डुप्लीकेट कंटेंट पेज है, बाकी आपको जो फोकस करना है जो आपको रैंक करना है वो आपको ये वाला पेज करना। तो मैं सिंपली इस पेज का कैनोनिकल टैग बनाऊंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरा एचटीएमएल कोड जो मैंने आपको बताया लिंक रिलेशन का यहाँ पर टैग लगेगा इक्वल टू यहाँ पे लिखना है कैनोनिकल, यहाँ पे एचडीएफ, और यहाँ पे जो आपका प्राइमरी पेज है उसका यूआरएल, ये पेज आ गया इसका यूआरएल। यहाँ पे फर्स्ट टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे स्लैश लगाकर, ये मेरा यहाँ पे टैग क्लोज हो गया। तो ये मेरा मैंने एचटीएमएल कोड लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को मुझे इन दोनों पेज में ब्लू वाले और ब्लैक वाले पेज में जाकर इनके हेड सेक्शन में डालना है, या फिर अगर आप कोडिंग वाली वेबसाइट है तो आपको हेड सेक्शन में डालना है, या फिर अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आपको सिंपली प्लगइन का यूज करके इन दोनों पेज में जाकर एडिट करके इन दोनों को प्लगइन के थ्रू से आपको जाकर कैनोनिकल उसमें यूआरएल डालना है, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे डाला। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या डुप्लीकेट कंटेंट को फिक्स कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पर है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं और कैसे उसको फिक्स करना था। अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट कंटेंट को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।